पंचायत उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह के अलावा सहायक निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने उपचुनाव में खाली सीटों पर किए जाने वाले नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की तथा अब तक गठित ग्राम पंचायतों की जानकारी भी हासिल की। राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में समितियां गठित नहीं की गई हैं, उनमें जल्द से जल्द समिति का गठन किया जाए तथा उपचुनाव के बाद सभी ग्राम पंचायतों में समिति गठित कर ग्राम पंचायत को संगठित ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए, जिससे गाँव में विकास की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आप लोग यहाँ कितने कितने ऐसे हैं जो देख रहे जिसके चुनाव आप करा रहे हैं, क्या व्यवस्था की है जनपदा की चार ऋतु के एजेंडे आप लोगों को देते गए, एक एक करके कृपया बताते जाएंगे, रिपोर्ट बताइएगा। सर हमारे नमस्कार सर, मैं जिलाधिकारी सिद्धू होकर अंत नहीं है, तब का विधिवत निर्वाचन होके वो कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो ये सवाल पता है सर यहाँ पे निर्वाचन शेष है जिनकी संख्या 953। स्क्रीनिंग आपने कर दिया है सर? हमने आज इसका जो है सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दिया सर, हमने अधिकारी नामित कर दिए हैं, हमने सहायक निर्वाचन नामित अधिकारी नामित कर दिए हैं और कल जो है सारे वगैरह सब पहुंचा दिए गए हैं और अखबार के माध्यम से सर इसका प्रकाशन कराया जा रहा है। इसके अलावा संबंधित ग्राम पंचायत में सर 4,488 रिक्त है सर और प्रधान में 6 और सदस्य क्षेत्र पंचायत बीडीसी में 9 सर, और इसके जो तैयारी में सर सदस्य पूर्ण ना होने पर 429 का गठन नहीं हुआ, फीडिंग सर 100% हो गई है सर, तैयारी पूर्ण है सर, करा रहे हैं इसको कम्प्लीट। हाँ, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है और 6 जून से लेकर 14 जून तक सारी प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। 6 जून को जो हमारा नामांकन स्टार्ट हो जाएगा और जो 12 जून है उस दिन मतदान है, 14 को जो है हमारे मतगणना हो जाएगी। तो ये लोग पर्चा दाखिल ब्लॉक पे करेंगे? हाँ, ये वो जो प्रक्रिया वो पूरी पहले वाली रहेगी और आज इसके संबंध में चुनाव आयोग द्वारा एक VC भी की जा रही है, संपूर्ण दिशा निर्देश जो दिए जाएंगे कोविड को ध्यान रखते हुए और उसके जितने प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना है।